कई भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख कल ही अमित शाह जी मुजफ्फरपुर आए थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं का पलायन नहीं रुक रहा है। अगला लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, महागठबंधन की जीत होगी 40 सीट पर, जैसा कि पूरे बिहार में लग रहा है। भाई अमित शाह जी अभी परेशान हैं, राज्यों में मुंह की खानी पड़ रही है, दो दो राज्य सरकार अभी गंवाए हैं। नमस्कार, मैं श्वेती और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मुजफ्फरपुर पहुंचे, ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि इसके बावजूद भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो है पलायन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिर्फ भारत की जनता ही नहीं उब चुकी है बल्कि उनके कार्यकर्ता भी उब चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश सिंह, उनकी बातों को सुनिए। कई भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख कल ही अमित शाह जी मुजफ्फरपुर आए थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं का पलायन नहीं रुक रहा है। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से न केवल देश की जनता उबी हुई है बल्कि उनके पार्टी के जो आम कार्यकर्ता, खास करके पन्ना प्रमुख के बारे में बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी खुद ही करती है, एक दर्जन से ज़्यादा पन्ना प्रमुख सहित उनके बड़े बड़े पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पटना जिला का कांग्रेस कमेटी, शशि को हम धन्यवाद देते हैं जिसके वजह से ये सारे कार्यकर्ता एक दो महीने से इनके संपर्क में थे और इन्होंने कहा भी है कि और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हम लोगों की तरफ आना चाहते हैं। मैंने इनको कहा है कि पहले परख लीजिए कि कार्यकर्ता में दम हो उसी को ज्वाइन कराइए, नहीं तो चुनाव के समय बहुत सारे लोग आते हैं, तो जो परखे हुए लोग थे वो आज ज्वाइन किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि जिला कांग्रेस पटना को भी ताकत मिलेगी और हम लोग राहुल जी के करिश्माई नेतृत्व में अगला लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, महागठबंधन की जीत होगी 40 सीट पर, जैसा कि पूरे बिहार में लग रहा है। कल ही मैं मगध के दौरे पर था, जिस तरह का उत्साहवर्धक स्वागत नवादा के कार्यकर्ताओं ने किया उससे उन सबों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर गया मैं औरंगाबाद होते हुए, अरवल होते हुए, रात के 10 बजे भी कार्यकर्ता साथी सभी उत्साहित होके हम लोगों का स्वागत किया, सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अरे भाई अमित शाह जी अभी परेशान हैं, राज्यों में मुंह की खानी पड़ रही है, दो दो राज्य सरकार अभी गंवाए हैं, हिमाचल में, कर्नाटक में, एक सरकार और जाने वाली है, तो उनको तो स्वाभाविक है कि इस तरह की बात करेंगे। सवाल तो आपको जेडीयू के लोगों से पूछना चाहिए, हम लोगों का तो स्टैंड साफ है, तो उनके सवाल का जवाब मैं दूँ, ये आप उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं तो गलत है हुआ ना। हम लोग का कांग्रेस का स्टैंड तो साफ है, बोल चुके हैं हम लोग। आप ऐसा प्रश्न करिए जिसका उत्तर हमसे मिले, इसका निश्चित उत्तर, जिस जो सवाल उन्होंने उठाया उसका निश्चित उत्तर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता से ले लीजिए, राज्य के प्रवक्ता से ले लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए। वही आगे उन्होंने कहा कि अमित शाह अभी नर्वस है, परेशान है क्योंकि दो राज्यों में अपना सरकार गंवा चुके हैं, ऐसे में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकार गंवा चुके हैं और एक और सरकार वो गंवाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज़।